परिवार को बेहतर जीवन यापन करने के लिए अधिक पैसा कमाने की चाहत में मुरैना का मजदूर युवक मस्कट में पहुंच गया। पैसे मांगने पर गैरेज संचालक ने बंधक बना लिया। परिजनों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। आज एक माह बाद सुल्तान सुरक्षित अपने परिजनों के पास आ गया। इससे उसकी पत्नी व अन्य परिजन काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सभी को 2 लाख रुपए व्यय हो जाने का भारी दुख है। मुरैना के केलारस तहसील क्षेत्र अंतर्गत रिठूनिया गांव निवासी सुल्तान जाटव गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में उड़ीसा में काम कर रहा था। परिवार को बेहतर जीवन यापन देने के लिए सुल्तान अधिक पैसा कमाना चाहता था। वह 2 दलालों के माध्यम से ओमान मस्कट के पासपा शहर पहुंच गया। एक गैरेज में काम मिलते ही एजेंट ने पासपोर्ट छीन लिया। 4 दिन काम करने के बाद पैसा मांगने पर गैरेज संचालक ने मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। पासपा शहर की पुलिस को शिकायत का परिणाम न निकलने पर परिजनों को सूचना दी गई। सुल्तान का पासपोर्ट वापस देने के लिए एजेंट व गैरेज संचालक 1 लाख रुपए मांगने लगे। उसे गैरेज में ही बंधक बना लिया। परिजनों द्वारा लगाई गुहार पर कलेक्टर ने मस्कट के भारतीय दूतावास से संपर्क कर मजदूर को मुक्त कराकर भारत भेजने की मांग की। 3 बच्चों के पिता सुल्तान जाटव अपनी पत्नी व अन्य परिजनों से जब मिला तब सभी खुश हो गए। सभी ने प्रशासन व पुलिस का धन्यवाद अदा किया। प्रशासन का कहना है कि मुरैना का ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विदेश में इस तरह संकट में है उन्हें भी वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुरैना निवासी श्री सुल्तान जाटव जो बजरंग कॉलोनी मुरैना के निवासी हैं वो काम की तलाश में मस्कट गए थे। वहाँ पर जाके ही सूचना हमको उनकी पत्नी के माध्यम से उन्होंने जब जिला प्रशासन से संपर्क करके बताया कि उनका पासपोर्ट रख लिया गया है और वो यहाँ वापस लौटना चाहते हैं। उनको ये डर हो रहा था कि कहीं मानव तस्करी के प्रकरण में उनको ना उलझा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इंटरवीन किया और भारतीय एम्बेसी जो मस्कट में है उसके माध्यम से उनको वापस देश में लाने की व्यवस्था करी। उसी के तहत आज रात में दिल्ली हवाई अड्डे पर उनकी लैंडिंग हुई, जिसमें जिला प्रशासन के एक प्रतिनिधि द्वारा उनके ससुर जी की उपस्थिति में उनको रिसीव किया गया और आज सकुशल अपने परिवारजनों के पास वापस छोड़ा गया। ऐसे मुरैना में कोई प्रकरण अभी तक संज्ञान में आए हैं? अभी वर्तमान में इस प्रकार का प्रकरण संज्ञान में नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास इस प्रकार की जानकारी है तो मैं उनसे अपील करता हूँ कि तत्काल जिला प्रशासन से संपर्क करें। मैं रिठौनिया की रहने वाली हूँ, मुरैना में रहती हूँ, तुलसीपुरा में मौत सिंह के मकान में किराए से रहती हूँ। मेरा आदमी ना गैस प्लांट में काम करता था, उड़ीसा का इंसान लेके गया था राजेंद्र, उसने वहाँ पे बंसी बना लिया, पैसे मांग रहा था, पासपोर्ट छीन लिया थे। अब वो क्या है, पैसे मांग रहा था ना पासपोर्ट लेने के लिए, तो दिए नहीं। हमने तुम्हारा पीट भी की थी और हमने कलेक्टर पे आदेश दिया, उनसे प्रार्थना करी कैसे भी तरीका से हमारे पति को निकाल के लाओ। उनने हमारी सहायता करी है, ऐसे ही हमारा पति आया, पैसे भी डाले हमने, 2 लाख रुपये हमारा खर्च भी हो गया है। हमारी तो एक निवेदन है सबसे, कलेक्टर साहब से, एसपी सर से, कि हमारी थोड़ी बहुत सहायता करें। हम मजदूर आदमी हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चा हैं। तो कितना समय आपके पति को बंधक बनाया? एक महीना हो गया उनको। अब आपके पति वापस आ गए हैं? अब वापस आ गए हैं, हमको बहुत खुशी है। और मतलब इतनी हेल्प करें एसपी सर, कलेक्टर साहब, तो मतलब मेरे गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए मतलब थोड़ा बहुत थे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, एक बच्ची है। आप बहुत खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ, पर मेरे 2 लाख रुपए तो खर्च हो गए। मेरा नाम सुल्तान जाटव है, मैं उड़ीसा में काम करता था। मेरे को एक उड़ीसा का साहब है वो लेके गया, उसका नाम दिलीप है, और एक केरला का है वो समीर है। ये दोनों दलाल है। इन लोगों ने मेरे को बोला था कि 50,000 रुपये महीना दिलाएंगे तुझे, वहाँ चल मस्कट ओमान। मैं ओमान के लिए चला, मैंने इधर में 70,000 रुपये मैंने खर्च किया। उसके बाद मैं उनके साथ गया तो मैं जाके उनने मेरा पासपोर्ट छीन लिया, उसी दिन मेरा पासपोर्ट ले लिया और दिलीप वहाँ से उसी दिन भाग गया। मेरे को बोलता काम करो, मैं बोला मैं काम नहीं करेगा। मैं 4 दिन काम किया, चार दिन के बाद मैं काम नहीं किया, तो मेरे को बोलता है काम करो नहीं तो तुम्हें मारेंगे। तो मेरे को मारा भी था, मेरा गला पकड़ा था, मेरा शर्ट भी फाड़ा था जो अरबाब था। मेरे को बोलता है 1 लाख रुपया जमा करो। मैंने बोला मैं गरीब आदमी हूँ, 1 लाख रुपया कहाँ से जमा करूँगा। वो बोलता है कि मेरा खर्चा हुआ है वो दो। मैंने पुलिस थाने भी गया उधर में, वो पुलिस थाने ने भी मेरा कार्रवाई नहीं किया। मैंने अपने घर वाले को सलाह दिया, मेरे घर वाले कलेक्टर साहब और एसपी साहब के पास में गए, उनने फिर कार्रवाई किया और मैं हमारे मुरैना संवाददाता के न्यूज
चैनल वाले ने भी मेरा सपोर्ट किया है, उनकी बदौलत से मैं इंडिया आया हूँ। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा 2 लाख रुपए का लॉस हो गया है, आप कैसे भी तरीका से मेरे को कलेक्टर साहब से कुछ हेल्प मिल जाए तो दिलवा दीजिए। क्या तुमको मस्कट में बंधक बना लिया था? मस्कट में बंधक बना लिया, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं इंडिया के, माने 300 आदमी इंडिया का पढ़ा है, उसमें 200 लेडीज है इंडिया, वहाँ का इंडिया में पढ़ा है, और उनका कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं कर रहा है इंडिया के लोगों को। 24 घंटे में 36 घंटे में खाना मिलता है। एक इंडिया का समीर करके, एक असलम करके एक नाम है, वो खाना लाता है, वही खाना खिलाता है इंडिया के आदमी को, नहीं कोई इंडिया के आदमियों को हेल्प नहीं करता है। उधर में ऐसे ही पड़े हैं, समुद्र के किनारे पे पड़े हैं, और बस वैसे ही पड़े हैं। हम तो ये कह रहे हैं, सरकार से धन्यवाद कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको भी बुला लिया जाए, वो लोग भी मुसीबत में पड़े हैं। सब पे 300-400 आदमी, उन पे सब पे मेरी माँ बहन सब है, भाई है, उन पे सब पे 1-1 लाख रुपए का फाइन है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।